नमस्ते, कैसे हो यार? बढ़िया। तो आज की वीडियो होने वाली है यार जोसा के ऊपर। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है यार, 5-6 दिन हो गए मेरे को वीडियो डाले हुए। तो यार कॉलेज का प्रेशर इतना ज़्यादा है, मैं कुछ बता नहीं सकता यार, ठीक है? तो मतलब क्या करूँ भाई, हालत ख़राब हो रखी है मेरे इस टाइम पर, ठीक है? तो 6 तारीख से, मतलब आज से काउंसलिंग तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है जोसा की। तो मैंने कहा यार चलो एक वीडियो तो डालना मतलब ज़रूरी है यार तुम्हारे लिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं जोसा का पूरा ओवरव्यू तुम्हें देने वाला हूँ, कैसे कैसे क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें मैं तुम्हें पूरा ओवरव्यू समझा दूँगा इस वीडियो में। तो बहुत मतलब तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? काउंसलिंग में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि फिर भी कोई दिक्कत वगैरह अगर रहती है तो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहाँ पे आके पूछ सकते हो कोई भी डाउट, ठीक है? इंस्टाग्राम में कोई अगर ज़्यादा क्वारी है तो इंस्टाग्राम पे प्रेफर करना, अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही जितनी भी क्वारीज हैं तुम्हारी, जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ पूछ लेना। मैं कोशिश करूँगा पूरा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, ठीक है? वीडियो लाइक कर देना, अभी शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पे अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एजुकेशन चैम्प के बारे में बता देता हूँ। तो ये एक ऐसी ऐप है, इसके बारे में हम लोगों ने एक्चुअली पहले बातचीत कर रखी थी, तुम्हें यहाँ पे शायद लिंक भी मिल रहा होगा, तो अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बेसिकली ये एक ऐप है जो स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट करती है, ठीक है? जैसे तुम्हें 12th के लिए कोई भी ट्यूशन वगैरह अगर ढूंढना है तो इस ऐप के थ्रू तुम ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली ये इस ऐप का काम है, तो अगर डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी, ठीक है? और वीडियो और जोसा के बारे में बातचीत करने से पहले कुछ जो कॉमन डाउट्स होते हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पे पहले बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डाउट पूछा जाता है कि यार जोसा में जो काउंसलिंग होती है वो तुम्हारी जनरल रैंक पे, CRL रैंक पे होती है या फिर कैटेगरी रैंक पे होती है? तो यार इसका आंसर है भाई कैटेगरी रैंक पे होती है तुम्हारी, ठीक है? और इस वाली टोटल 6 राउंड ही होने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और मेजर डाउट जो पूछा जाता है सर, वो ये कि यार बहुत सारे लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यार उनकी कैटेगरी EWS है और जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर उन्होंने जनरल भर दिया। तो अब उनका क्वेश्चन ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम कैटेगरी चेंज करी जा सकती है? तो यार कैटेगरी चेंज अब तुम नहीं कर सकते हो, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है जो तुम एडिट कर सकते हो, जैसे तुम्हारा जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया और तुम्हारा स्टेट एलिजिबिलिटी हो गया, बस यही इन्फॉर्मेशन तुम चेंज कर सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है? एक और चीज़ यार कि जोसा की पार्टिसिपेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, मतलब जब तुम्हें कोई सीट मिलती है सिर्फ और सिर्फ तभी तुम्हें फ़ी पेमेंट करनी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनकी जिन्होंने ड्रॉप लेने का सोच भी लिया, तो यार मैं यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट तुम अप्लाई तो कर ही दो, एटलीस्ट थोड़ा एक्सप्लोर करो ये जो जितना प्रोसेस है, तुम इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो जाएगा जब तुम नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे आके, ठीक है? तो कर लो, अगर सीट मिलती है तो अच्छा ही है, अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, ठीक है? कौन सा पैसे लग रहे हैं हमारे, ठीक है? तो एटलीस्ट अप्लाई कर लो यार, सही रहेगा, है ना? अब बात करते हैं यार जोसा। अब ये जोसा क्या है, ये एक पोर्टल है यार जो तुम्हारा IITs होगी, तुम्हारी NITs होगी, तुम्हारी IIITs होगी, तुम्हारी CIPTIs होगी, इन सारे कॉलेजेस का एडमिशन ये करवाता है, ठीक है? अब यार रजिस्ट्रेशन करना कैसे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो जोसा की ऑफिशियल साइट पर तुम्हें चले जाना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक भी मिल जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लिंक ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पे, तो जैसे ही तुम क्लिक करोगे वो तुमसे JEE Main का रोल नंबर और जो तुम्हारा पासवर्ड वगैरह है वो सब पूछेगा, तो वो तुम वहाँ पे एंटर कर देना। इन केस तुम पासवर्ड भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं यार, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना, उसे रिकवर कर लेना, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब लॉगिन करने के बाद अगेन एक और नया पेज खुलेगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास दिख रहे होंगे, जैसे कि तुम्हारा कैंडिडेट प्रोफाइल हो गया और तुम्हारा अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, एंड चॉइसेस अवेलेबल हो गया, एंड तुम्हारा चॉइस फिलिंग हो गया। तो तुम्हें चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही तुम क्लिक करोगे फिर से एक नया पेज खुलेगा, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना उनकी पूरी लिस्ट तुम्हें दिख रही होगी। अब वहाँ से तुम कॉलेज पिक कर लो, तुम्हें कौन कौन से कॉलेज अपने चॉइस फिलिंग में रखने हैं। चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना जो तुम्हें चाहिए, इसके बाद से मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, जो तुम्हें पहले चाहिए फिर सेकंड नंबर पे चाहिए, ऐसे ऐसे करके पढ़ते चले आना, तुम्हें पता ही होगा इस चीज के। तो यहाँ से कॉलेज पिक करना है, यहाँ पे तुमने सारे भर लिए, अब इन्हें तुम्हें रीअरेंज करना, तो अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तुम्हें रिमूव करना या अप डाउन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे तुम्हें मिल जाते हैं। तो अपनी चॉइस का जो ऑर्डर है उसे तुम रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है? ये सारा प्रोसेस चॉइस फिलिंग तक होने के बाद क्या होगा कि यार तुम्हारा जो मॉकशीट एलोकेशन है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये मॉकशीट एलोकेशन होता क्या, मैं एक बार तुम्हें क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये कुछ नहीं, सिंपल सा है, जो तुमने चॉइस फिलिंग भर रखी ना, तो ये उसका बताता है कि उसके बेसिस पे तुम्हें कौन सी सीट मिलने वाली है कौन से कॉलेज में, बस यही है। तो यार अगर तुम्हें कोई चॉइस फिलिंग जो मॉक सीट एलोकेशन है उसमें कोई भी सीट अलॉट नहीं होती तो टेंशन में मत आना यार, कुछ नहीं होता, मुझे खुद नहीं अलॉट हुई थी यार। तो जब मेन राउंड की काउंसलिंग हुई थी देन मुझे NIT पटना मिल गया था। तो ये जस्ट बताता है कि यार इनकेस तुम्हें चॉइस फिलिंग वगैरह चेंज वेंस करनी तो अपना कर सकते हो,
तो इसके वजह से एकदम टेंशन में मत आना, ये ऐसा ही प्रोसेस होता है, ठीक है। मॉक सीट एलोकेशन रिजल्ट के बाद में तुम्हारा फाइनली 17 तारीख को यार फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा शाम के 5 बजे। अब रिजल्ट आने के बाद से यार दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, एक तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कोई ना कोई सीट मिल चुकी होगी, एक ऐसे होंगे जिनकी कोई जिन्हें कोई भी सीट अभी तक नहीं मिली है। तो जिन्हें कोई सीट अभी नहीं मिली है वो एकदम चुपचाप बैठेंगे और नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे, ठीक है। अब जिन्हें सीट मिल गई है उनके पास है टोटल 3 ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। पहला ऑप्शन होता है स्लाइड, दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट, एक ऑप्शन होता है फ्रीज। अब फ्रीज का मतलब ये है कि यार जो तुम्हें सीट चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई है, उससे तुम पूरी तरीके से खुश हो भाई, अब तुम्हें वही चाहिए थी ज़िंदगी में बस, तो वो तुम अपना लेके बैठे रहो। और जब उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह और जो तुम्हारा फी सबमिशन की डेट वगैरह है जो ब्राउज़र में एक्सप्लेन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सारी चीज़ें करते रहने, ठीक है। दूसरे टाइप के यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि यार जो अपनी सीट से खुश नहीं है, तो अब उनके लिए दो ऑप्शन है अपग्रेडेशन के, बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, तुम्हारा स्लाइड हो गया और एक तुम्हारा हो गया फ्लोट। स्लाइड का मतलब होता है कि यार बेसिकली सपोज तुम्हें NIT इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल मिल गई, ठीक है। अब तुम्हें NIT इलाहाबाद कॉलेज में ही कोई दूसरी ब्रांच चाहिए, जो तुमने चॉइस फिलिंग भर रखी वो उसके अकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारी रैंक मैच करके उसके अकॉर्डिंग वो देख लेगा। सपोज तुम्हें वहाँ पे CAC चाहिए, ठीक है, तो वो चॉइस फिलिंग के ऑर्डर से तुम्हें देख लेगा। मतलब फ्लोट स्लाइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो सेम कॉलेज में देखता है कि कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज जो ब्रांच तुम्हें अलॉट हुई है अभी के लिए वो तुम्हारे पास बनी रहेगी बस। फ्लोट का मतलब होता है कि यार जो जो तुमने चॉइस फिलिंग भर रखी ना उनमें से अगर कोई टॉप पे कोई टॉप की प्रेफरेंस जो है अगर वो तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग मैच हो रही होगी देन वो अलॉट कर देगा तुम्हें बस। तो ये चीज़ होती है, इसमें भी यार अगेन वही चीज़ है कि यार जो भी तुम्हें सीट मिलती है फ्लॉट जब ऑप्शन सेलेक्ट कराए तुमने, अगर कोई सीट मिलती है देन अच्छी बात, अगर नहीं मिलती है तो जो पुरानी वाली सीट थी वो तुम्हारे पास बनी रहती है, ठीक है। और ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए भाई तुम्हें फ़ी पेमेंट करनी होती है, मतलब अपग्रेडेशन में जाने के लिए तुम्हें फ़ी सबमिट करनी होती है, समझ गए, ठीक है। और इसी बीच यार तुम्हारे पास विड्रॉ वगैरह के भी ऑप्शन तुम्हारे पास चलने लगते हैं, मतलब कि जिन्हें सीट मिल गई है तुम अपना विड्रॉ करना चाहते हो, तुम काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो देन विड्रॉ ऑप्शन को सिलेक्ट करो और काउंसलिंग से बाहर हो जाओ, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। इसके बाद से यार 21 तारीख को तुम्हारा सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और यही सेम प्रोसेस जो अभी मैंने तुम्हें बताया कि भाई विड्रॉ वगैरह के ऑप्शन, तुम्हें सीट मिलने के बाद तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं फ्लॉट और ये मैंने जितने भी ऑप्शन बताए, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी तुम्हें करनी होती है। तो जैसा प्रोसेस फर्स्ट राउंड के लिए हुआ था ऐसे सेम सेकंड के लिए होगा, थर्ड के लिए होगा, ऐसे चलते चलते एकदम बिंदास तरीके से काउंसलिंग चलती रहेगी तुम्हारी, ठीक है। लास्ट राउंड आएगा, लास्ट राउंड मतलब जो 6 ही होने वाले इस बारी राउंड, ठीक है। जब ये लास्ट राउंड आएगा तो उसमें उन्होंने लेके रखा था, मैंने पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने बोल रखा कि यार जो लास्ट राउंड है उसमें तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, मतलब अगर कंडीशन सही रहती तो फिजिकली रिपोर्टिंग कर दी जाएगी, अदरवाइज ऐसे ही ऑनलाइन मोड में हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि यार इसी 6 राउंड में काफ़ी सारे बच्चे भाई विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और तो ये जितनी भी सीट खाली बच जाती इन सब को भरने की जिम्मेदारी ली है CSAB नामक साइट ने, ठीक है। तो CSAB क्या होता है, स्पॉट राउंड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 राउंड होते हैं तुम्हारे, ठीक है, जितनी भी सीट खाली बची ये सारा डेटा तुम्हें डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे तुम पार्टिसिपेट करने वाले होगे ना सब कुछ तुम्हें दिख जाएगा कि भाई कौन से स्टेट में कौन सी NIT कौन सी ब्रांच में फीमेल के लिए किसके लिए कौन से सब कुछ कैटेगरी वाइज तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा कि यार किसके लिए कितनी सीट खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगेन यहाँ पे 2 ही राउंड होते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा फिर वही रिपोर्टिंग करना होगा तुम्हें, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा तुम्हारा, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यार तुम्हें 40,000 रुपीज़ पे करने होते हैं अगर तुम जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो उसके इसमें तुम्हारे 15,000 रुपीज़ यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। सीट मिल गई तो अच्छी बात है, यही अमाउंट जो तुमने जमा कराई ये तुम्हारा कॉलेज फीस में तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सीट नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, थोड़े से पैसे यहाँ पे कट के वापस हो जाएंगे, तुम्हारे साथ से 5,000 रुपये कट जाते हैं, बाकी के रिफंड हो जाते हैं। तो ये यार सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर रहता है, ठीक है। ओके, तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप कि यार काफ़ी सारे डाउट तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, एक तुम्हें ओवरव्यू मिल गया होगा, फिर भी यार डाउट अगर रहते हैं तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, वीडियो के नीचे तुम कमेंट कर दो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे यार वहाँ पे क्वेरी तुम अपनी लिख दो, मैं कोशिश करूंगा कि यार तुम्हें जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँ। और यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर तुम नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं, ठीक है। और एजुकेशन चैम्प अगर डाउनलोड नहीं करिए तो वो जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अगर मानो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।